अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज राहत फतेह अली खान। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये एक उस्ताद और एक शागिर्द के मामले, आपसी मामले की ये बात है। और ये वो मेरा शागिर्द है, बच्चा है मेरा, और ये उसके वालिद साहब है नफीस अहमद साहब, ये रवीद इस्माइल। और ये एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। जब कोई शागिर्द अच्छा काम करता है तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। बहरहाल ये नवीद हुसैन है, आप इसकी जुबानी पूछ लीजिए आप क्या हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वो जो जिस फोटो की बात हो रही है, वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी था, वो मुझसे मैं कहीं रख के भूल गया था, मुझे इस बात का नहीं था उस टाइम पता कि मैंने कहाँ रखी है। तो वो मेरे बाप है, मेरे उस्ताद है, ये प्यार भी हम हमारे साथ इतना करते हैं कि खुदा जानता है। ये जिसने भी ये हरकत की है, ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है, मेरे उस्ताद जी को बदनाम कर देगी। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मेरे उस्ताद जी है हमारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम इनके औलाद हैं, इनके बच्चे हैं, मेरे वालिद साहब साथ खड़े हैं। ये नफीस साहब है इनके वालिद। और मैं एक और बात कोट करूंगा, मैंने इससे उस वक्त भी उसी वक्त मैंने माफी भी मांगी इससे। बनता नहीं है, इनका बड़ा बनना है, हमसे बहुत बड़ा बनना है। एक थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा उस्ताद जी गिनती के हवाले से। हमारी कवाली फील्ड में हमारे कुछ असूल हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ नाते हैं उस्ताद के नाते से। एक छोटी सी मिसाल मैं देने लगा हूं आपको कि हमारे बदर सिंह पापा जिनके बहुत बड़े नाम और कवाल उस्ताद बख्शी सलाम हुए हैं, उनके एक शागिर्द थे उस्ताद सादक अली खान को सदो। एक दफा का वाक्य है कि मैं भी वहां पर मौजूद था, तो सादक अली खान साहब के उस दौर में बड़े वाल थे, सर के बाल जो थे वो काफी बड़े थे, तो वो घर में कंधी कर रहे थे। तो अम्मा जी आ गए, हाजत बख्शी सलाम खान साहब की, उस्ताद बख्शी सलाम साहब की बेगम, वो आगे, हम उनको अम्मा जी बोलते थे, वो आगे। तो सिर्फ उन्होंने ये कहा कि बेटा सदो, तू वाल चंगे मांगना प्या पुत्र, ऐसे वाल ना आया कर। उसी वक्त वो आदमी ने बात सुनी, वो पानी पानी हो गया ये बात सुनकर, अम्मा को मेरे बाल पाने ये सीधे करने पसंद नहीं आए। नाई की दुकान पे गए, वहां जाके उन्होंने टिन करवाई। तो हमारे सिलसिले में हम इतना एहतराम करते हैं उस्तादों के घर का, उस्तादों के असूलों का, उस्तादों की बातों का। फिर उस शख्स ने सारी जिंदगी सर पे बाल नहीं रखे, हम उनकी वीडियो आपको दिखा सकते हैं, सारी जिंदगी वो छोटे छोटे बालों के साथ वो आदमी करता रहा है। ये हमारा आदत है, ये मेरा बेटा है उस्ताद जी। उस्ताद बेटे को डांट देते हैं, मार भी देते हैं, ये हमारे हमारी नजर में ये मार नहीं है, ये एक क्या कहते हैं उसको, मुझे वो लफ्ज मिल रहे, ये एक तबादला हमारे लिए उस्ताद जी का डांटना, ये हमारे काम की बातें हैं। बात ये है मेरे काम की, एक और बात हुई कि मैं अपने मुलाजमों पर तशद्दुद करता हूँ। ये मेरा ड्राइवर है, ये 40 साल 45 साल से ड्राइवर है, इनका नाम सलीम है। आप इनसे पूछिए कि मैंने कभी इनको डांटा हो, कभी मारा हो, ये हमारे बुजुर्गों की तरह है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं 40 साल से ड्राइवरी करता हूँ, खान साहब मुसर फतेह अली खान के साथ ही रहा हूँ, और इन्होंने मुझे बाप का बड़े भाई का दर्जा दिया है। इनकी बहन, इनकी पूरी फैमिली मेरी बहुत इज्जत करते हैं, ये बड़े आजम वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे आज तक गाली भी नहीं दी इन्होंने। तुम मामू की बात करते हो, अस्सलाम वालेकुम।